कल्पित कह रहा है, हफीज कह रहा है टॉस के टाइम पे, हाँ हाँ ये सारी बकैती करवा लो इनसे, टॉस के टाइम पे सिक्का दिखा दो, ये कर दो, पिच हमारे लिए अलग से बना दो, अलग से एक काम करो रे, तुम पाकिस्तानी हो या पोर की हो, जरा मेरी बात सुनो, तुम एक काम करो बेटा, तुमको जहाँ पे मैच खेलना हो ना, तुम ना अपना वहां से ना मिट्टी लाओ बोरों में भर के, या एक काम करो बाघा बॉर्डर से अपने 150 गधे मिट्टी लोड करवा के भेजो यहाँ, हाँ खुद यहाँ अपनी पिच बनाओ, पिच बना के खेल लो, क्रिकेट पे फोकस नहीं है इनका कि अपने हाँ। कैसे अच्छा क्रिकेट खेलना है ना, ना। टॉस दिखा दो इनको, सिक्का दिखा दो इनको, सिक्का किसके उसमें पूछ ला, अरे भाई तुम टॉस हार के भी जलील हो रहे हो, तुम टॉस जीत के भी जलील हो रहे हो, इमेजिन कर लेते हैं एंड रिजल्ट सेम है तुम्हारा, तब भी ये बात आए निकल के कि जी हमारा कप्तान तो बार बार टॉस हार रहा है, ये तो हमारे खिलाफ कुछ साजिश हो रही है, अभी कह रहा है टॉस का वो दिखाया करो, वो ऊपर कैमरा करके दिखाओ, ठीक है फिर कहेगा बाबर आजम कच्चे बनियान पहनता है, वहां से लाइव करके दिखाया करो कि हमारे कप्तान के किसी ने डाल तो नहीं दिया कुछ अंदर, मतलब कोई होता ना कीड़ा वीड़ा डल जाता है कुछ, उसकी वजह से आउट हो जाता है कुछ, ये पता नहीं क्या क्या कहेंगे भाई यार, क्रिकेट खेल लो भाई, क्रिकेट खेल लो, इनके पास ना मतलब हर बात का एक्सक्यूज है, अरे वो बाबर तो शॉट मार देता, वो ऊपर से मच्छर उड़ के चला गया, क्या कर रहे हो भाई, कर रहे थे अब तो गए। तो पाकिस्तान का कहना है कि हम लोग इंडिया में मैच इसलिए हार रहे हैं कि वहाँ के लोग जय श्री राम बोलते हैं, तो बेटा क्या है ना, कुछ लोग जय श्री राम बोलने से आप मैच हार रहे हो, जिस दिन पूरा हिंदुस्तान जय श्री राम बोलेंगे उस दिन आप अपना देश हार जाओगे, ये है राम जी की ताकत। बिल्कुल भाई, जय श्री राम, लिख दे रहा कमेंट्स में, भर जाना चाहिए जय श्री राम से कमेंट सेक्शन। लड़कियां कुत्तों को इतना ज्यादा प्यार क्यों करती हैं जब लड़के आपको कुत्तों की तरह प्यार करने को तैयार है? Why girls love so much to dogs when we are ready to love them like dogs? भाई इसका आंसर तुम लोग खुद बताना, मैं नहीं बताऊंगी, मेरे पास ऑलरेडी डॉग है यार, बड़ा प्यारा सा, आप लोगों ने देखा भी होगा। रुक जा बेटा, ऊपर मत कर, मुझे फॉलो कर और 3 लोगों को शेयर कर, मैं तेरे सारे दुख दूर कर दूंगा। सुन लिया, गलत जगह ध्यान मत दो, लिख दो जय हनुमान जी, ठीक है, और मुझे शेयर नहीं करना, मुझे फॉलो कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। अरे ऊपर बैठे अजगर पे भी ध्यान दे लो सालो ठरकियो। मगरमच्छ है वो। वही मगरमच्छ। भाई तुम्हें पता चला था मगरमच्छ था या क्या था? तुम्हारा ध्यान ही कहीं, हमेशा ध्यान कहीं और रहता है तुम्हारा। जब इन लड़कियों से इनका मेकअप किट छीन लिया जाता है तो वो कैसे करती है? हाँ भाई, मेकअप तो जिंदगी है, मेकअप से बहुत प्यार है, मेकअप से मजाक भी बर्दाश्त नहीं है मुझे तो। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? मेसी और रोनाल्डो? मेसी। मेसी। आपको? मेसी। आपको? मेसी। मेसी। भाई आपका फेवरेट क्रिकेटर इन तीनों में से कौन है बताना जरूर। मेरा तो फेवरेट बॉलर जो है ना वो मेसी है, अपना बताना। ऐसी कोई सर्दी नहीं बनी दुनिया में, ऐसी कोई सर्दी नहीं बनी जो शादियों में जाती हुई खवातीन को स्वेटर पहना सके। समझे? दुनिया को ठंड लग जाए लेकिन एक शादी फंक्शन में जाने वाली लड़की को कभी ठंड नहीं लग सकती। देखा बैकलेस ब्लाउज कट स्लीव। नंबर 3 सूर्य कुमार यादव और फिर हार्दिक पांडे और फिर ऋषभ पंत, तो उसके बाद ना हमने बस मार धाड़ और धूम धड़ाका करना है, वो धूम धड़ाका हर बार आप कर नहीं सकते, स्टेबिलिटी चाहिए ना। हाँ। वो आपको विराट कोहली से बेहतर कोई नहीं देगा। हाँ भाई बिल्कुल, एंड तक लेके जाना, पिच पे टिके रहना, समझ रहे हो, कोहली कर सकता है। ऐसा क्या है जो वुमेन के आगे होता है और काऊ के पीछे आता है? वुमेन के आगे होता है काऊ के पीछे। प्यारी समझ गई। वुमेन वो सॉरी वुमेन लेग्स लेग्स अच्छा नाइस। हां देखो मेरे फ्रेंड को अच्छी है, तो है उनके हो गया आगे, नहीं आगे भी तो होते हैं उनके, तो पीछे होते हैं ना आगे। हां भाई आगे वाले हाथ होते, सही कह रही हो। मे बी डब्ल्यू वुमेन मारता। अरे यार क्या क्या आ रहा था दिमाग में, तुम्हारे भी दिमाग में कुछ आ रहा था तो लिख देना। सर अगर आपके चैनल पर माई भाई का इंटरव्यू लेने का मौका मिले तो आपका पहला सवाल क्या होगा? मेरा पहला सवाल ये होगा महेंद्र सिंह धोनी को कि पहले तो उस इंसान का थैंक यू किया जाएगा जिसने हमको प्राउड फील करवाया इतनी सारी ट्रॉफीज के साथ। हाँ। सवाल नहीं होगा, सबसे पहले तो थैंक यू होगा उस इंसान का, और उसके बाद पहला सवाल ये होगा कि इतनी सारी अचीवमेंट्स, जिस नंबर पे बैटिंग करते हुए एक इंसान ने 10,000 रन बना दिए, इतना अचीव कर दिया, आईसीसी की ट्रॉफी जीत ली, जो जो जीत सकता था इंसान वो जीत लिया, सब जीता, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अगर महेंद्र सिंह धोनी के टाइम पे आया होता तो एक ट्रॉफी वो भी थी हमारी। हाँ। अभी तक आईपीएल में 5-5 टाइटल जीत लिए, अभी तक आपके अंदर
वो घमंड क्यों नहीं आया? हाँ, इतनी सारी फैन फॉलोइंग, एक आदमी हाँ, पिक्चर खिंचवाता है धोनी के साथ, अपनी चप्पल जूते साइड में रख के खिंचवाता है हाँ, इतनी सारी रिस्पेक्ट देख के आपका दिमाग क्यों नहीं खराब हुआ आज तक? यार है तो इंसान ही ना हाँ, कभी तो शीशे में देख के ये आता होगा ना घमंड टाइप की, वाह यार तूने क्या किया है भैया, कभी तो फ्रस्ट्रेशन लेवल अलग लेवल पे जाती होगी ना भाई। धोनी का ना मतलब बहुत ही हम्बल नेचर, बहुत डाउन टू अर्थ है, ये तो मानते हो? धोनी फैन लव यू जरूर लिख देना, भूले तो नहीं हो ना कैप्टन को, भूल भी नहीं सकते। और यार वो बहुत बड़ी मक्खी है वो पाकिस्तानी जो लड़की है, कोहली जी हम हाँ, तो पड़ोसियों के साथ प्यार करते हैं ये, अबे तू चलना तुम निकलना यहाँ से, कौन सा प्यार, इतना प्यार बिखेरेगी तकलीफ में आ जाएगी किस दिन कोहली जी को, एक तो जी 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 इतना करेगी वो, इरिटेट कर देगी भाई। मैं भारत आना चाहती हूँ, मुझे भारत बुलाओगी ना? मैं कोहली जी को देखना चाहता, कोहली जी जेठ लगता है तेरा, कोहली जी जेठ नाम मत लेना उसका दोबारा, मैं गुस्सा जाता हूँ उसको देख। हाँ यार ये मैंने कई उसमें देखे है, कोहली की बहुत बड़ी फैन है यार बंदी, कई इंटरव्यूज भी देखे मैंने इसके। अगर वो आ ही गए थे मान लो, जितने हैदराबाद में मुस्लिम भाई लोग थे, ऐसे वीडियो बना, रिजवान भाई लव यू भाई, आई लव पाकिस्तान भाई, मैं हिंदू कम्युनिटी से आता हूँ, पाकिस्तान में भी हिंदू हैं, तो क्या मैं पाकिस्तान में वो जो 1-2% हिंदू हैं उनके कारण मैं आई लव पाकिस्तान बोलना स्टार्ट कर दूंगा क्या? नहीं करूंगा। उसके बाद जीतेगा भी जीतेगा, उधर से पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं। उसके बाद हमने मौलवी के ट्वीट भी देख लिए, हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेला, ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेलने में हमने कौन सा मुजरा रखवाया था मैच से पहले? बीसीसीआई ये कहती है कि यार हम आईसीसी में ना हम लोग ना मना नहीं कर सकते किसी टीम को, हम बुलाने से मना नहीं कर सकते। अच्छा। चलो मान लिया नहीं कर सकते, तो ये भी आईसीसी की गाइडलाइंस हैं कि भारत और पाकिस्तान के मैच से पहले मुजरा करा जाएगा, ये किसकी गाइडलाइंस है? ये तो तुम्हारी खुद की है ना, ये वाला एक्स्ट्रा ड्रामा। हाँ ये मेरे को मतलब थोड़ा वो लगा, मतलब अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं कि ठीक है, अगर पहली बात तो जो ओपनिंग सेरेमनी होती है वो जो मैच शुरू होता है जो वर्ल्ड कप, उससे पहले होनी चाहिए थी, स्पेशली क्यों रखा? ये तो सच में मेरे भी समझ से बाहर था, मैं तो मतलब मेरे लिए तो वो सही नहीं लगा मुझे, बाकी आप लोग बता सकते हो। 12 पारियों में हिंदुस्तान के अंदर वनडेज में जॉस बटलर ने 178 रन बनाए हैं इकट्ठे, 178 रन बनाए हैं एकदम से, एवरेज सीधी 14.8, स्ट्राइक रेट 100.56 और इसमें जो बेस्ट है वो 43 है। ये हालत हो गई है जोस के बटलर की। है बटलर क्या मेरा बबलू है ये बबलू? ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ, गलत हो गया है तो भाई साहब सबकी फेवरेट, सबकी दुलारी, सबकी प्यारी इंग्लैंड की टीम इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है हाँ। अब मैथमेटिकली तुम लगाते रहो हिसाब किताब, मैं तो सीधा बोलता हूँ, मैंने वर्ल्ड कप से पहले सबने इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को सबने अपनी टॉप 4 में रखा हुआ था, और मैंने एक बात बोली थी यार इतना ज्यादा प्रिडिक्टेबल वर्ल्ड कप नहीं हो सकता, ऑस्ट्रेलिया हाँ। या इंग्लैंड इन दोनों में से एक टीम बाहर जाएगी भाई, और देखो सबसे पहले किसका कटा है, इंग्लैंड का कट गया भाई साहब। पाकिस्तान का भी लगभग कट चुका है, वो तो खैर मानने को तैयार भी नहीं है हाँ। वो तो ऐसी वो तो क्या है वो अपना भिकारी नल्ले अनपढ़.com ये तो उस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं ना हाँ, ये वेबसाइट है उस यूनिवर्सिटी की, दोबारा बोल देता हूँ, भिकारी नल्ले अनपढ़.com ये वही वाले भिखारी हैं, ये वहाँ से ग्रेजुएट हुए रखे हैं सारे के सारे। तो पाकिस्तान तो वैसे भी नहीं मानता है, चाहे 9 में से 8 हार जाए वो तभी भी नहीं मानता है, ठीक है? तो वो भी बाहर हो चुके हैं, बस उनका कल ये देखना है कि जुलूस कितना बड़ा निकलेगा हाँ, निकलेगा कितने बड़े मार्जिन से हारेंगे भाई। इंग्लैंड के साथ क्या हो गया यार, इनसे 4 गुना लगान लेना पड़ेगा अब हमें।